नकबजनी और लूट की घटना में शामिल दो अभियुक्तों को खोरावार पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में थे। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि थाना खोरावार के मिर्जापुर बाजार निवासी भीम कुमार शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा और डांगी पार टोला भैरवपुर निवासी रामू केवट पुत्र मन्नू केवट शातिर किस्म के चोर हैं और बाइक की चोरी करने के साथ नकबजनी भी करते हैं, जिसको सोमवार को खोरावार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। ये गाड़ी विशेष के लिए एसईओ कैंट के निर्देशन में इंस्पेक्टर शाह और इनकी टीम द्वारा अभी हाल में ही एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी फलमंडी से, जिसमें दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनसे मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इनका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन अभी हाल में सुहा बाजार थाना क्षेत्र खोराबार में एक हाउस ब्रेकिंग हुई थी, घर में चोरी हुई दो जगह। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे कैद हो गए थे, बाद में खुलासा हुआ है तो इनसे वह घटना भी खुल रही है, ये बाद में पता लगा है जब वहाँ के मालिक ने इस चीज़ को दिखाया है और तस्दीक किया गया। तो ये शातिर चोर हैं और ये स्मैक किया है, या चोरी करने के बाद या कोई सामान चुराने के बाद बेच के स्मैक पीते हैं। तो इस तरह से इनसे मोटरसाइकिल चोरी की बरामद होने के साथ साथ दो नकबजनी घटनाओं का भी खुलासा हुआ। एक मोटरसाइकिल भी हाल में कल परसों चोरी हुई थी, जिसको बरामद किया गया। बाकी दो नकबजनी की वारदातें इनके द्वारा की गई हैं सुबह बाजार में, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हो गई है और वो घटना खुल रही है।